हेलो एवरीवन, आज 18 अप्रैल और अग्निवीर का जो फर्स्ट शिफ्ट है उसके जो फर्स्ट शिफ्ट हैं वो छूट चुकी हैं और हम जानेंगे आज कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एग्ज़ाम्स देकर आए हैं, तो आज क्या पेपर रहा है, क्या लेवल रहा है, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कोई चेंजेस देखने को मिल रहा है। तो जानने से पहले आप सभी को ये मैसेज दूंगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और अपने जो भी नियरेस्ट दोस्त हैं जिनका अभी एग्ज़ाम बचा हुआ है उन तक वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें। सो देखते हैं भाई से पूछते हैं, इनका एग्ज़ाम्स रहा है, ये एग्ज़ाम्स देकर आए हैं, ठीक है, पहली शिफ्ट है, सो क्या इनका एक्सपीरियंस रहा है, कहाँ से आए हैं, कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे हैं और आप आते वक्त किन किन चीज़ों की सावधानी रखें, इन सारी चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे। तो बताएं आपका शुभ नाम क्या है? राजीव प्रताप सिंह। कहाँ से आए आप? मैं सतना से आया हूँ सर। पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं या पहले कभी दी थी आपने एग्ज़ाम? एक बार पहले दिया है मैंने। कौन सी एग्ज़ाम्स? आर्मी का ही दिया है या कोई? आर्मी का भी दिया है। आर्मी का दिया जो धार में हुआ था वो? धार में नहीं, हमारा जबलपुर है ना, तो फिर अच्छा अच्छा जबलपुर। अच्छा जबलपुर का यारों से हुआ? इस बार दिया था जबलपुर में। तो वहाँ पर क्या हुआ? फाइनल मेरिट में नाम नहीं आया था, फिजिकल निकल गया था। फिजिकल हो गया था सर। अच्छा, आप बिल्कुल कूल रहें, एक सामने देखें और घबराएं नहीं, ठीक है, और अच्छे से फीडबैक दें। जो भी बच्चे सुनना चाहते हैं, जो बच्चे के अभी एग्ज़ाम्स बची हुई हैं वो जानना चाहते हैं कि क्या लेवल आ रहा है, क्योंकि सही चीज़ आप ही बता सकते हैं, हम आपके ही माध्यम से बच्चों तक फीडबैक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। तो आप एग्ज़ाम्स देकर आए हैं तो आप बिल्कुल फ्री माइंड से आप फ्री रहें, घबराए नहीं, और सामने जो भी बच्चे हैं उनको आप मैसेज दें किस तरीके से तैयारी करके आना। अच्छा, पहली चीज़ आपका पेपर कैसा गया? पेपर अच्छा गया सर। कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे आपने? 44। अच्छा, आपने माइनस मार्किंग का ध्यान रखा? ध्यान रखा सर पूरा। अच्छा अच्छा, तो कितने आपको लग रहा है कि क्वेश्चंस एग्जैक्ट सही हैं? सर 41 या 42 एग्जैक्टली सही है। मतलब दो तीन क्वेश्चंस आपको डाउट है? दो क्वेश्चन मेरे को डाउट है। अच्छा अच्छा, दो बस, हाँ दो ही। यही विश करेंगे कि आपका जो रिटर्न है वो निकले और फिजिकल के लिए नाम आए। अच्छा, आप एक चीज़ बताएं कि जो टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस बिल्कुल फ्री माइंड से देखें, जल्दबाजी में अपने को याद नहीं रहता है, बिल्कुल आप सोचिए, और कुछ क्वेश्चंस याद हो अगर जीके, करंट अफेयर्स, साइंस, मैथ्स, मैथ्स में तो आप टॉपिक बता दीजिएगा, ठीक है। मैथ्स में देखिए, मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री अगर अपन बात करें, नहीं आ रही है। मेंसुरेशन आ रहा है सर, साधारण ब्याज आ रहा है, अनुपात समानुपात आ रहा है, और वो आ रहा है ये साधारण ब्याज आ रहा है। आयु के क्वेश्चन आयु के आ रहे हैं और सिंप्लीफिकेशन आ रहा है, सरलीकरण आ रहा है सर। प्रतिशत के क्वेश्चन? प्रतिशत का मेरे में नहीं था पर आ रहा है शायद। अच्छा, मतलब अदर मेरे सेट में नहीं था। हाँ। अच्छा, दूसरी जो और करंट आ रही है सर, करंट के जीएस में 15 क्वेश्चन आते हैं जिसमें 6 क्वेश्चन आपके करंट के होंगे। अच्छा, तो करंट में जो अभी लेटेस्ट इवेंट्स हुए हैं उससे रिगार्डिंग पूछ रहे हैं सर, ये पूछ रहे हैं, मेरे में आया था झारखंड का राज्यपाल, T20 महिला विजेता, और आया था फीफा वर्ल्ड कप उपजेता, और एक दो क्वेश्चन और थे सर। कोई बात नहीं, आप बिल्कुल नॉर्मल रहें। देखिए, एक चीज़ रहती है कि अपन जब एग्ज़ाम दे के आते हैं तो हेजिटेशन रहता है, याद नहीं रहते हैं क्वेश्चंस, तो आपने 3 से 4 क्वेश्चंस तो बता ही दिए हैं, और आप साइंस के कुछ क्वेश्चंस बता पाएंगे या स्टैटिक जीके से कुछ क्वेश्चंस याद हो तो? साइंस में वो था डायोप्टर। अच्छा। लेंस का मात्रक था डायोप्टर, और चींटी में वो जो अम्ल होता है। हाँ, हाँ, जो अम्ल मिलता है काटने से? हाँ, नहीं, चींटी के डंक में जो अम्ल होता है, ठीक, हाँ है, वो है, और दूध की वो तीव्रता किसने नापी जाती है, लैक्टोमीटर, वो था। ओके, और डाइजेशन सिस्टम से कोई क्वेश्चंस थे सर? रेस्पिरेटरी सिस्टम से सर? वो मेरे में नहीं थे शायद। अच्छा, नहीं थे। साइंस नॉर्मल आई है, साइंस मैंने पूरे 15 में 15 किए हो, मेरा ख्याल है 15 सही होंगे। अच्छा, तो देखिए दोस्तों, इन्होंने अच्छे क्वेश्चंस 6 से 7 क्वेश्चंस इन्होंने बताए हैं साइंस और जीके को लेकर, और भी अगर क्वेश्चंस आपको याद आ रहे हो तो प्लीज़ ज़रूर बताएं। और रीजनिंग आ रही है सर, कोडिंग डिकोडिंग एकदम सरल रीजनिंग आ रही है, कोडिंग डिकोडिंग आ रही है, रक्त संबंध, और ये अपना कोडिंग डिकोडिंग के 3 क्वेश्चन थे, डायरेक्शन सेंस थे, डायरेक्टर्स आ रहे हैं ना? हाँ, एक क्वेश्चन आ रहा है, और ब्लड रिलेशन हो गया? ब्लड रिलेशन नहीं था सर, ब्लड नहीं था, कोडिंग डिकोडिंग तो आ ही रहा है, सीरीज के क्वेश्चंस भी आ रहे होंगे, है ना? सीरीज आ रही है, रीजनिंग में पेपर सरल आ रहा है एकदम। हाँ। अच्छा पेपर आ रहा है, मतलब जो बच्चा तैयारी करके आ रहा है वो अटेम्प्ट कर सकता है, एक दो महीने अच्छे से तैयारी की है वो 40+ कर सकता है। अच्छा, क्या बोलते हैं कि ये कैसा फील कर रहे हैं आप, ये जो चेंजेस हुआ है इसमें रिटर्न एग्जाम्स को देकर पहली बार जो फेस कर रहे हैं, ये बेटर है कि जो पहले आप देते थे फिजिकल वो बेटर था? सर
अब क्या बताएं, बेटर हो जाता तो बेटर रहे, अब देखते हैं क्या होता। अच्छा, मतलब इनका कहने अच्छा, का ये भी, वो भी अच्छा था। अच्छा अच्छा ना, दोनों जो काम तो देना ही है इसमें भी। हाँ। उसमें भी पढ़ाई करनी है बराबर। बिल्कुल, पढ़ाई नहीं करोगे तो फिर नहीं होगा। बिल्कुल, सही बात। केवल फिजिकल से अब फौज नहीं बनी है फिजिकल के लिए, पहले कभी था फिजिकल से हो जाता था। बिल्कुल, देखिए बहुत अच्छा रिव्यू दिया है। इनका कहने का ये है कि फौज अब फिजिकल पे डिपेंड नहीं है, आपको मेंटली भी प्रिपेयर होना पड़ेगा, ठीक है। और ब्रदर को जल्दबाजी है, जल्दी है और जबलपुर से आए हुए हैं, तो अच्छा पेपर गया। आपको विश, गुड विश और थैंक यू सो मच फॉर फीडबैक, ठीक है, ओके। तो देखिए दोस्तों, आप सभी ने देखा होगा बहुत अच्छा सा फीडबैक दिया है ब्रदर ने, और मोस्टली क्वेश्चन जो हैं वो बताए हैं। देखते हैं, जानते हैं, और कुछ बच्चे आए हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या लेवल आ रहा है, और भी कुछ क्वेश्चंस अगर वो बता पाते हैं तो हम इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी तरीके से बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो हेलो ब्रदर, दो मिनट, क्या नाम है आपका? अखिलेश पाल। हो गया आपका पेपर? यस सर। कैसा गया? अच्छा गया सर। कहाँ से हैं आप? इंदौर। अच्छा, इंदौर से हैं। पहला एक्सपीरियंस है या फिर आप सेकेंड टाइम्स दे रहे हैं? नहीं, पहले अपनी खुली भर्ती थी धार में, या फर्स्ट टाइम ही एक निवृत्त भी। अच्छा अच्छा, तो ये कैसा एक्सपीरियंस, मतलब कितने क्वेश्चंस करके आए आप? मैंने करे 45, 45। और कितने एग्जैक्ट राइट है? 42 सही होंगे। माइनस मार्किंग का ध्यान रखा है? हाँ रखा है ना। ऐसा तो नहीं था कि भूल गए कि माइनस मार्किंग नहीं है तो अटेम्प्ट करते जाओ? यही पाँच छोड़ दिए ना, उसमें कुछ कुछ करते बंद। अच्छा, मतलब आपको क्या लग रहा है कैसा आपका सिलेक्शन होने के चांस बनते हैं? नहीं, जहाँ तो चांस बनते हैं, अब दौड़ने देखते क्या होता है अब। अच्छा अच्छा, नहीं दौड़ भी हो जाएगी अगर आप यहाँ निकल रहे हैं तो, कहीं ना कहीं इतना टफ नहीं होना है। सो क्या मैसेज दें, कुछ क्वेश्चन याद दो तो प्लीज़ बच्चों को बताएं। यहाँ पर आप बच्चे जानना चाह रहे हैं कुछ भी, जितने भी क्वेश्चन, या तो स्टैटिक जीके हो गया, आपको याद हो तो आप बता दीजिए, ठीक है। अच्छा, अभी पेपर देने जा रहे हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा करंट के आ रहे हैं अभी, करंट जीके में। अच्छा, स्टैटिक जीके में जो 15 क्वेश्चन है उसमें से कितने क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन याद है? करंट के मिले 4 क्वेश्चन। हाँ बताना। वो तो एक वो 2023 मेजबाजी का है। हाँ। कहाँ पे हुई थी? फीफा वर्ल्ड कप। और झीलों से भी मिले 2-3 क्वेश्चन। अच्छा, झीलों से। हाँ, खारे पानी की सबसे बड़ी झील। मुख्यमंत्री वगैरह, राज्यपाल, झारखंड का राज्यपाल। अच्छा, झारखंड के राज्यपाल पूछा है। और साइंस में कुछ क्वेश्चन? साइंस में क्वेश्चन ये टार्टरिक अम्ल किसमें होता है? तो टार्टरिक अम्ल, ठीक है, ओके। और कुछ क्वेश्चन? और साइंस में और वो था किसकी आयु नहीं बढ़ती है, जैसे किसकी आयु नहीं बढ़ती है तो उसमें। ओके ओके, पेंसिल आएगा उसमें, क्यों? और सब जीव थे और निर्जीव पेंसिल थी उसमें। अच्छा अच्छा अच्छा। और एक था वो ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और इनको मिला के कौन सा कलर का ये बनता है? अच्छा, कलर कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन। हाँ। केमिस्ट्री से क्वेश्चन। और मैथ्स में सिंपल आ रहे हैं ना, 300 का 45% सिंपल आ रहे एकदम। तो अगर हम बात करें सरलीकरण और एकदम एकदम ही नॉर्मल लेवल का, नॉर्मल ही है, बिल्कुल बेसिक लेवल आ रहा है। थोड़ा ही पढ़ा होगा ना, मिक्स निकाल देगा वो। मिक्स तो एकदम नॉर्मल ही है, और रीजनिंग एकदम नॉर्मल है। तो थैंक यू फॉर फीडबैक। कैसा गया पेपर? बढ़िया गया सर। कितने क्वेश्चन अटेंड किए सर? 34 क्वेश्चन, 44 क्वेश्चन अटेंड किए। 44 कितने राइट है सर? सारे मेरे सब सर। चलिए, यही विश करेंगे कि आप सभी का जो रिटर्न एग्जाम से वो निकले और फिजिकल के लिए नाम आए, ठीक है। थैंक यू फॉर फीडबैक दोस्त। और देखिए दोस्तों, मैक्सिमम जो क्वेश्चंस है हमने बताने की कोशिश करी है, और भी कुछ बच्चे हैं अगर बता पाएंगे तो हम बिल्कुल जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो आई थिंक इसमें मोस्टली वही चीज़ें हैं, बच्चे बोल रहे हैं कि जो करेंट अफेयर्स हैं वो ज़्यादा पूछा जा रहा है, मतलब आप करेंट इवेंट्स पर ध्यान रखें, ठीक है। 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मतलब स्टैटिक जीके वाला अगर पार्ट तैयार कर रहे हैं तो उसमें आप 5 से 6 क्वेश्चंस करेंट इवेंट के मान लीजिए, 4 से 5 क्वेश्चंस आपको लेटेस्ट स्पोर्ट्स हो गया, या जो भी अभी कुछ अपॉइंटमेंट जो होते हैं, जैसे किस कौन से राज्य का राज्यपाल चेंज हुआ है, मुख्यमंत्री बना है, तो ये सारी इवेंट्स करेंट्स के देखकर जरूर जाएं। यहाँ से आपको 4 से 5 क्वेश्चंस देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो दोस्तों, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छे फीडबैक के साथ। देखते हैं हम, और भी बच्चे अगर होते हैं तो हम क्वेश्चंस बताने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं, जय श्री महाकाल। आइए आइए आइए, बिल्कुल। कहाँ से आए आप? हम तो उज्जैन से। अच्छा, उज्जैन से। क्या नाम है आपका? रवि प्रजापति। अच्छा, कैसा गया पेपर? पेपर बहुत मस्त गया। देखो इनकी खुशी झलक रही है कि पेपर बहुत शानदार गया। अच्छा, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए सर? 50-50, मतलब माइनस मार्किंग का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा आपने। देखना ही नहीं। चलो ठीक है ना। तो देखिए, कुछ ऐसे बच्चे भी है जो 50 के 50 ठोक के आ रहे हैं, मतलब मार्किंग का बिल्कुल ध्यान रखना है आपको। सो सभी बच्चे जल्दबाजी में हैं दोस्तों, और मैक्सिमम सारी चीज़ें हैं जो हमने कवर करने की कोशिश करी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।